वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो यार। तो भाई आप लोगों ने हमारी चंडीगढ़ वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हम चंडीगढ़ गए थे और हम चंडीगढ़ से आगे तो यार काफ़ी टाइम से स्कॉर्पियो भी खड़ी यार। इतने दिन से हम केटे नहीं चला रहे थे तो स्कॉर्पियो के हाल देखो आजकल कैसे यार। ये चेक करो, बड़ी गंदी हुई हुई है। कल भी बारिश हो रही थी यार, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यार। इंटीरियर मैंने आप लोगों को इसका दिखाया नहीं, उसके बाद कैसी फाइनल कुछ लुक आई थी। तो ये चेक करो यार, हमने उस टाइम नए सीट कवर डलाए थे, स्टीयरिंग कवर डलाया था और एक गत्ते डलाए थे, गत्ते में कवर डलाए थे ऊपर वाली चीज़। यार मेरे को ना रूफ ब्लैक करने का मन नहीं था यार, क्योंकि रूफ ब्लैक में पता क्या सीन होता है, गर्मियों में ढंग से पटाखा हो जाता है धूप का। तो मैंने सोचा था वैसी काली गाड़ी है, गर्मी में ढंग से पटाखा हो जाएगा तो नहीं डले। अब मेरा मन है ये जैसे हैंडल्स है इनको हम पेंट करेंगे, ये जो छोटे छोटे नहीं लिख रहे लॉक्स वाले इनको भी हम पेंट करेंगे। बाकी सीट कवर बहुत प्यारे यार, देखो मतलब पकड़ के ना प्रीमियम सा फील आता है इनको सीट कवर। वैसे स्कॉर्पियो की सीट यार उतनी खास अच्छी नहीं है जो ये वाले हमारे मॉडल के, जो एस 11 है टॉप मॉडल है जिसमें आर्म रेस्ट है उसकी तो सीट कवर फिर भी मतलब सीट्स अच्छी है इसकी, मतलब नॉर्मल एवरेज सी है ठीक है। बाकी देखो इंटीरियर अब हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है। और बाकी हमने इसके नीचे देखो मैटिंग भी करा रखी है, ये देखो अब नीचे वो जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखता था ना बड़ा गंदा जैसा, अब वो नहीं दिखेगा, प्रॉपर हमने करा रखा। अब इंटीरियर कुछ अच्छा लग रहा है। और एक बात और बता दूं, अब मेरा मन है, बहुत लोगों ने पिछली वीडियो में भी कमेंट करा है कि भाई कुछ और ले लो कुछ, मेरा 70% और 30% मन है कि मैं इसको सेल कर दूं। 70% मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको सेल कर दूं। मैंने एड्स ऐसी मजाक में एड्स भी डाली थी उसमें OLX में फेसबुक में, तो मेरे घर वालों का फ़ोन आया पागल हो गया क्यों बेच रहे हो। मैंने घर वालों को भी थोड़ी अपनी बात समझाई तो बोलने लगे चल तेरी मर्जी है, देख ले जो करना है तूने कर ले। मैंने उनको प्रॉमिस किया अगर मैं बेचूँ कुछ बढ़िया चीज़ लाऊंगा अपने पैसों से खरीदूंगा, पर उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेल करने के बाद, पर मैं लूंगा ज़रूर। अगर मैं लूंगा कन्फ्यूजिंग बताए मेरे को किस किस में है, 5-door Thar स्कॉर्पियो N, इन दोनों में से स्कॉर्पियो N की बुकिंग टाइम है 1.5 साल का, मतलब कम से कम 1.5 साल लगेगा अगर मैं आज स्कॉर्पियो बुक करता हूँ तो 1.5 साल के बाद आएगी। बाकी जो नई वाली थार है अभी उसका कुछ भी नहीं पता, जो 5-door आने वाली क्या सीन रहेगा क्या कुछ होगा। बाकी अगर आप लोग में से भी कोई इस गाड़ी को लेना चाहता है तो मेरे को मैसेज करें, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दे या मेरी मेल पे में मैसेज कर दे, नीचे आपके पास आ रही होगी। ये मॉडल है हमारा स्कॉर्पियो का S2 M2DI इंजन आता है 75 BHP पावर के साथ ठीक है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2017 का मॉडल है ये गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटल है, फ्रंट से लेकर बैक तक कभी कोई मतलब इसमें एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। मतलब रिपेयर जो अभी पेंट दिखाया ना वो भी मैंने जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, सिर्फ वो बम्पर का उतना सा पार्ट पेंट हुआ और इसका कुछ भी पेंट नहीं हो रखा, बाकी ना कोई बजे। इसमें हमने कस्टम हेडलाइट डला रखी है और जितनी भी S11 की बाहर की किट होती है हमने सारी डला रखी, बम्पर्स, हेडलाइट, टेल लाइट्स, रूफ रेल, वाइजर्स, मतलब बहुत कुछ है जो भी हमने, मतलब बाहर से S11 ही लगती है। बस इसका इंजन S2 है M2DI और ये पावर 75 की मैंने बता दी। और इसकी एवरेज भाई देखो, जैसे मेरे तो देखो पंजाब जो पापा बोलते हैं जो पापा चलाते हैं 15-16 की एवरेज आती है इसकी, और अभी तक इसका कुछ भी नहीं रिपेयर हुआ है, जैसी कंपनी से आई थी वैसी की वैसी है। बाकी सारी ओवरऑल लुक आपने वीडियोज़ में देखी है, बाकी मैं इसकी फ़ोटोज़ डाल दूंगा। जिसको लेनी हो उस पर कमेंट कर देना, कमेंट क्या मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में। इसका प्राइस रखा है हमने 8.5 लाख आस्किंग प्राइस है इसका, मतलब मिनिमम यार मेरे को 8 तक तो चाहिए भाई, अगर मेरे को दूसरी चीज़ लेनी है तो मेरे को 8 तक तो चाहिए, नहीं तो उससे नीचे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी देख लेंगे नेगोशिएबल कितना हो सकता है, बाकी आप लोग मैसेज कर देना। वैसे 8 लाख इसका लास्ट रखा है मैंने प्राइस। बाकी अभी चलते हैं हम लोग दुकान, K10 के भी हाल दिखा था, मैंने स्पॉयलर मंगाया था, स्पॉयलर भी टूटा हुआ स्पॉयलर आया था, और हमारी जो बॉडी किट है ना मैं अभी घर गया हुआ था तो बॉडी किट भी टूट गई, उसके लिए मैंने नया बम्पर लिया हुआ है। ये देखो ये वाला नया बम्पर को मैंने कल कटिंग करके ला दिया, अब जैसे हमने पहली बॉडी किट बनाई थी वैसी बॉडी किट बनाएंगे। और एक हाँ अपडेट, हमारे जो डेंटर साहब है उनने दुकान बंद कर दी है, तो इसी वजह से हमारी कोई नई वीडियो नहीं आ पा रही गाड़ी के ऊपर, क्योंकि अब हमारे डेंटर ही नहीं है, काम करना बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो चुका है, अब हमारे को कुछ नया बंदा ढूंढना पड़ेगा जो काम करे। आप लोग बताए चेला भी नहीं है, चेले के भी पापा की डेथ हुई है तो वो भी नहीं है काफ़ी टाइम से हमारे साथ, तो अभी गाड़ी भी ऐसी ही है अभी। बाकी आप लोगों को चलो चैरियट में बैठ के दिखाते हैं कि चैरियट की कैसी है। चलो ये चेक करो हमारी चैरियट, जो मैंने बताया आपको हमारी फ्रंट की स्कर्ट्स टूट गई है तो कैसी अब देखो फ्रंट से दिख रही है। बाकी अब इसको खोलते हैं, बैटरी बैटरी तो है इसमें, कल भी हमने स्टार्ट करी थी, ये
अपने जब से ड्यूल शॉक का लगाया ना तब से तो इसमें ड्यूल शॉक करे, इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर आ गया इंटीरियर तो भाई। अब गर्मी होना शुरू हो गया जूरी में आजकल, तो एक दिन तक तो भयानक गर्मी हो गई थी, आजकल फिर मौसम थोड़ा ख़राब हुआ तो थोड़ा शांत हुई थी भाई साहब। अरे सनरूफ के पटाखे तो ढंग से पटाखा हो जाता है इस सनरूफ में, इसमें ये मजा है पुश बटन स्टार्ट का। यस बहन जो देखा बारिश में यही तो दिक्कत है, देखो लीक करने लग गई है और मेरे कपड़ों के ऊपर भाई, मेरे इस साइड से तो ना करती, रुक जाओ बाहर ही निकलना पड़ेगा। उफ भाई साहब यहाँ देखना ना पानी कितना जमा होगा। उफ 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 सनरूफ कल ही खोली थी, कल खोली है देखो यहाँ से ना, यहाँ से लीक कर रही है ए, देखो यही तो दिक्कत है साले हमारे बहन जी। जब से डेंटर साहब ने दुकान बंद की नहीं तो हम इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करा लेते थे। चलो इसको साफ सूफ करते हैं, बैठता हूँ यार पहले सीट पे फिर बात करते हैं। बहन जब से दो दो गाड़ी है ना भाई मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे से पता नहीं क्यों दो दो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। जब मारुति थी ना मेरे पास तब भी यही वाली दिक्कत आ रही थी, अभी कपड़ा नहीं है यार गाड़ी में, कागज से साफ करनी पड़ी यार गाड़ी में, आज कपड़ा ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रखा है भाई, किस में इसमें डाला उसमें डाला कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाकी अभी हम निकल गए यहाँ से दुकान के लिए, अभी दुकान जाते हैं फिर दुकान में देखते हैं आपको, और स्पॉइलर की भी मैं अपडेट देता हूँ कि स्पॉइलर का क्या सीन है हमारे, जो हमारा स्पॉइलर आया था कि कैसा है, कि टूटा बिल्कुल टूटा हुआ यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब उस स्पॉइलर के लिए मैंने आप लोगों को तो पिछली वीडियो से बता रहा हूँ मैं, मैंने कितना टाइम वेट किया हूँ, कम से कम दो घंटे का मैंने ना उसमें, दो घंटे के दो महीने लगे मेरे को उसको जो उसको वो करने में, वेट करने में, तब जाके स्पॉइलर आया, आया भी आया टूटा हुआ स्पॉइलर आया, सारे दिल टूटा। चलो अभी स्पॉइलर दिखाता हूँ फिर आप लोगों से मैं बात करता हूँ। ये है वो स्पॉइलर जो हमने मंगाया था। अबे चौधरी सीधा तो पकड़, वे सीधा कर इसको, ऐसा ये ऐसा है बे, ऐसा है स्पॉइलर ये है, ये बैटमैन वाला स्पॉइलर है जो आप लोगों को पोलो पोलो स्विफ्ट के लिए आता था, हमने कस्टम बनाया था K10 के लिए, पर ये कस्टम तो बना नहीं आ रहा, इसको लगा के देखो अभी भी ऐसा लग रहा है। ये देखो ये वही पोलो वाला है, बहुत बड़ा आ रहा है, पीछे कर पीछे कर, बिल्कुल यहाँ लगा गैप टू गैप, ऊपर से लगा बिल्कुल यहाँ पे लगा, हाँ ये देखो कितना गैप रह रहा है इसमें, ये देखो ऐसा लग, बहुत बड़ा आ रहा है यार ये ना, उनने क्या बताऊँ जिनसे बनाया था। और ऊपर से मैं दिखाता हूँ जब ये पहुँचा कैसी टूटी हुई हालत में, खोल दो छोड़ ये देखो, यहाँ साइड से है तो चलो फाइबर का है, पर ये देखो पूरा टूटा हुआ ही स्पॉइलर, मतलब चारों तरफ से टूटा हुआ ही पहुँचा है, इसके कोने कोने देखो जा, फाइबर में यार यही दिक्कत होती है कि क्लियरिटी नहीं होती है। बाकी यहाँ देखो लगा के दिखाता हूँ आपको, ऐसी कर कुछ लुक आ रही है, पर ये बहुत बड़ा यार मेरे को लग रहा है कि ये कुछ ओवर जा रहा है। देखो देखने में देखो साइड पोर्शन तो इसका अच्छा लगेगा, देखो साइड से तो अच्छी लग रही है गाड़ी, पर ये ना जैसे आगे पीछे से देखेंगे तो बहुत बड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या बड़ी चीज़ लगाई हुई है, देखो ना इतना गैप दिख रहा है, इसको वो करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी फ्रंट से भी दिखाता हूँ आपको कैसी लुक आ रही है, देखो कुछ अजीब सा लग रहा है यार, रुको अभी तो मैं इसको कुछ जुगाड़ प्लान कर रहा हूँ कि इसको, अब आ तो गया है पैसे भी इतने बर्बाद हो भाई, यहाँ पहुँचने में ना इसका डिलीवरी चार्ज 1800 रुपये है, स्पॉइलर का कॉस्ट अलग, तो अभी देखते हैं इसके लिए हम कुछ जुगाड़ बनाते हैं। मैं पता कैसे सोचा एक वो वही लगा के थोड़ा इसको इतना बाहर को ऐसे निकालेंगे, तो चलो इसको अभी देखते हैं इसका जुगाड़ क्या बनता है, यहाँ से लोहे की पाइप्स लगाएंगे और इसको हाँ वैसा कुछ लगाना पड़ेगा। आ चुके हैं आप एक और नए दिन में यार, कल हमारा स्पॉइलर का कुछ काम हुआ नहीं और दिन भर ऐसे ही ठुले रहे हमने, आप लोगों ने देखा चेक तो करा था, फिर उसके बाद यार आज मैं सोचा था स्कॉर्पियो भी हमारी धुलाने की है, बहुत कुछ है, तो यहाँ देखो कल रात को हमने रूम के नीचे पार्क करी थी और कैसे पार्क करी, यहाँ देखो बिल्कुल ही चिपका के भाई पूरी की पूरी ठुकी हुई है रात को, ये कौनों को लाने जाने दिया, यहाँ से आगे से रास्ता था तो हमने पीछे को रखी। तो अभी एक बार अंदर चलते हैं, शोर आ रहा है बहुत, तो अभी हम इस K10 को थोड़ा आगे करके वापस से पीछे को लगाते हैं, फिर आज हम देखते हैं आज स्कॉर्पियो को भी वॉश वूश कराना था थोड़ा, इसको भी स्टार्ट करके देखते हैं आज, हमारा वो वाला काम तो हो नहीं रहा है, क्या बोलते हैं स्पॉइलर वाला, स्पॉइलर में जो वो है ना जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया वो लॉक्स लगने हैं पीछे के लिए एंगल से, तब जाके उसमें अच्छी क्लियरिटी आएगी, पेंट होना, अभी मौसम भी ख़राब है, हमारे पेंटर आप लोगों को राहुल भाई की तो दुकान बंद हो गई है, तो हमारा काम आजकल होना बड़ा मुश्किल सा हो गया हुआ है। तो बाकी अभी कोशिश करते हैं हम क्या बनता है आज के दिन में, बाकी एक बार मैं गाड़ी लगा लेता हूँ फिर आप लोगों से बात करते हैं। भाई हमने अपने स्कॉर्पियो निकाल ली, K10 को हमने वहाँ साइड में पार्क कर दिया, अब चलते हैं यहाँ से दुकान स्टार्ट करते हैं। आजकल तो यार ये गाड़ी जब से मैं सोच रहा हूँ ना इसको बेचने का, तब से तो भाई दिल्ली कुछ खराब है, देखा कितना छोटा सा सेल्फ लेगी, बस स्टार्ट भाई जो ये साउंड है ना भाई, ये वाली साउंड जो
आवाज़ आती इंजन की, मतलब पहले पहले मेरे को ना बड़ी फुद्दू सी साउंड लगती थी, अब धीरे धीरे जितने ये रिफाइंड इंजन आ रहे, ईवी कार्स आ रही है, उसके बाद भाई इन इंजनों को सुनने का जो मज़ा है ना भाई, वो कुछ और ही है भाई। पहले लगता था और क्या इतने शोर करने वाले, अब लग रहा है भाई असली फील ना यही था बहन चुत। आजकल जो गाड़ी आ रही है नहीं भाई कोई आवाज़ ही नहीं ईवी गाड़ी, ये फील था कि भाई है कोई चीज़ बहन जो चल रही है, जो गाड़ी एकदम फील दे रही है, जो नई गाड़ी आ रही है भाई बहुत रिफाइंड इंजन के साथ, मतलब ऐसा लगता है ना मतलब क्या ही चीज़ चला इनको, जब ये होती है ना गाड़ी स्कॉर्पियो को जब चलाते तो ऐसा फील आता है भाई नहीं भाई कुछ चल रहा है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी वाला फील आता है। जैसे बैठा था यहाँ पे, अब जाके वॉशिंग का नंबर आया, अब वॉशिंग के लिए लगा यार 3 घंटे लग गए, 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, अब जाके गाड़ी धोने का नंबर आया, गाड़ी चेक करा कितनी गंदी हो गई, अब इसको गाइस यार वॉशिंग करा के हमने गाड़ी ला लिया, चेक करो यार वॉश करा के तो भाई गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, और भाई साफ मतलब जो ग्लॉस आ रहा है ना भाई इसमें भयानक, पर अभी देखो मौसम भी इतना ख़राब है फिर भी बहन चुका ग्लॉस, देखो ग्लॉस चेक करो यार कैसा ग्लॉस आ रहा है इसमें, ग्लॉस चेक करो यार यहाँ से ना कैसी ग्लॉस आ रही है इसमें, देखो पूरा जो इसका कंपनी का ना ओरिजिनल पेंट है इसमें कुछ भी नहीं हुआ, देखो अभी तक भी कितनी ग्लॉस है इस पेंट में, बस नॉर्मल से छोटे मोटे ना धोने के बाद ऐसा होता है ये छोटे छोटे स्क्रैचेस है ना ये एकदम से विजिबल हो जाते हैं, पर दूर से चेक करेंगे तो दूर से कोई भी इसमें ऐसे स्क्रैचेस नहीं दिखते, यहाँ से चेक करो यार कितना ग्लॉस आ रहा है, ये कितने साल पुरानी गाड़ी है और अभी तक इसका वैसा का वैसे ही पेंट है, और ये चेक करो बहुत प्यारी यार। होप यार आज की वीडियो में यही सब कुछ था यार, जो जो भी आप लोगों ने देखा, अभी हमारा स्पॉइलर का काम पेंडिंग है, स्पॉइलर में भी वैक्स लगने हैं, आज भी मौसम ऐसे ही रहा, कल या परसों स्पॉइलर का काम हो जाएगा, मामा जैसे ही फ्री होंगे। बाकी आप लोगों को बता दिया इस कार फॉल अप फॉर सेल, प्राइसिंग बता दी मैंने, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करी है, बाकी यही सब कुछ था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम बोलो।